इस वक्त इसराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने वो मिसाइल दिखाई है जो उसने इसराइल पर दागी थी और नेतन्याहू का हर डिफेंस सिस्टम उसे रोकने में नाकाम रहा। इसराइल के इस नए डर को लेकर तीन बड़ी बातें सामने आ रही हैं जो आपको हैरान कर देंगी। यही वो मिसाइल है जिसने इसराइल को बुरी तरह डरा दिया है। ये जहां गिरेगी सब तबाह हो जाएगा, पुतिन ने इसकी गारंटी दे दी है। मिसाइल जहां गिरेगी उसका हश्र ऐसा होगा। 15 सितंबर के हमले के बाद इसराइल को पता चल गया है कि ना सिर्फ हमास और हिजबुल्ला बल्कि यमन के हूती उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिसे गंभीरता से लेना होगा क्योंकि यही है ईरान का ट्रिपल एच। ये है हूती की बैलिस्टिक मिसाइल फिलिस्तीन 2, रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा। फिलिस्तीन 2 को ईरान की खैबर शिकन मिसाइल का ही एक वेरिएंट या नकल माना जा रहा है। हूती की मिसाइल और उसकी लॉन्चिंग के आफ्टर इफेक्ट्स के बाद यमन की जमीन पर यह मलबा देखिए, जिसने अमेरिका की हिम्मत को जलाकर राख कर डाला है। अगर ये वीडियो बाइडन देख रहे होंगे तो बहुत मायूस होंगे, इसमें कोई शक नहीं। इन दो तस्वीरों से पूरे पश्चिम एशिया में बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है। इसराइल के साथ साथ अमेरिका को 440 वोल्ट का झटका लगा है। एक तरफ इसराइल पर हमला करने वाले हूती मिलिशिया की मिसाइल है तो दूसरी तरफ अमेरिका के उस ड्रोन का मलबा है जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक किलर ड्रोन कहा जाता है। जितनी बड़ी यमन की अर्थव्यवस्था नहीं है, उससे महंगे तो अमेरिका के ड्रोन हैं, जिसे हूती विद्रोही अपनी मिसाइलों से गिरा रहे हैं। इन दो तस्वीरों ने यमन के अंदर एक नया जोश भर दिया है। इसराइल और अमेरिका का नया फायर ब्रांड दुश्मन तैयार कर दिया है। यमन की सड़कों से लेकर बड़े चौराहों तक अमेरिका और इसराइल के खिलाफ गुस्सा देखिए। कलेशनिकोव लहराता ये मजमा ही हूती कहा जाता है, जो गजा और फिलिस्तीन के लिए इसराइल और अमेरिका को लगातार चैलेंज कर रहा है। कभी लाल सागर में अमेरिका और इसराइल से जुड़े जहाजों को टारगेट करके ये धमाके वाकई डराते हैं, कभी अमेरिका के किलर ड्रोन को उड़ाकर बताते हुए कि यमन का आसमान उनके लिए सुरक्षित नहीं, तो कभी इसराइल की तरफ न सिर्फ मिसाइल फायर करके बल्कि इसराइल के एयर डिफेंस को नाकाम साबित करते हुए हूती लगातार चुनौती दे रहे हैं। सबसे पहले उस मिसाइल की बात जिसने न सिर्फ इसराइल के कई शहरों में खौफ भर दिया है बल्कि अमेरिका को भी परेशान कर दिया है। फिलिस्तीन के झंडे वाले रंग से तैयार इस मिसाइल का नाम है फिलिस्तीन 2 और ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। हूती मिलिशिया इस मिसाइल को आसमान की तरफ तान देता है। टारगेट इसराइल है, इस वक्त यमन का सबसे बड़ा दुश्मन। फिर शुरू होता है काउंटडाउन, 5, 4, 3, 2, 1 और मिसाइल लॉन्च हो जाती है। यह मिसाइल बढ़ जाती है इसराइल की तरफ। दूसरे कैमरे से देखिए, यह वीडियो एक ड्रोन से बनाया गया है। आसमान को चीरते हुए नेतन्याहू को बहुत बड़ा शॉक देने निकल जाती है यह मिसाइल। इसराइल में जहां मिसाइल गिरती है उसकी तस्वीरें डराने वाली हैं। इसराइल से आए वीडियो देखिए, इन तस्वीरों में इसराइल का खौफ है, इसराइल डरा हुआ है। ये सायरन की आवाज नहीं, लग रहा है कि इसराइल में जैसे कोई चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, क्योंकि इसराइल पर हुआ है एक ऐसा हमला जिसने इसराइल की तमाम सुरक्षा की गारंटी को फेल साबित कर दिया है। وجاءت تتويجا لجهود أبطال القوة الصاروخية الذين بذلوا جهودا جبارة في تطوير التقنية الصاروخية حتى تستجيب لمتطلبات المعركة وتحدياتها مع العدو الصهيوني وتنجح في الوصول إلى أهدافها. هوتي ميليشيا کا دعویٰ ہے کہ مسائل اسی نے تیار کی ہے اور ایران بھی یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ اسے بھی اس مسائل کے بارے میں 15 ستمبر کو پتا چلا ہے جب یمن سے یہ مسائل इसराइल की तरफ दागी गई। यमन के हूती विद्रोहियों का दावा है कि मिसाइल ने 2040 किलोमीटर का सफर 11 मिनट 30 सेकंड में पूरा किया। ये एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल थी, यानी इसकी रफ्तार थी एक सेकंड में 3 किलोमीटर। यमन से लॉन्च होने के बाद ये ऐसी ट्रेजेक्टरी में इसराइल की तरफ बढ़ी तो लाल सागर के ऊपर से जाकर अपने टारगेट तक पहुंची।
इस दौरान लाल सागर में अमेरिकी जंगी जहाज के एंटी मिसाइल सिस्टम इसे नहीं रोक पाए। सऊदी अरब और मिस्र भी देखते रह गए और आखिर में जॉर्डन के अलावा इसराइल भी इस मिसाइल को रोकने में नाकाम साबित हुआ। מי שזקוק לתזכורת בעניין זה, מוזמן לבקר בנמל חודדה. כל מי שתוקף אותנו לא יחמוק מנחת זרוענו. החמאס כבר לומד זאת בפעולתנו הנחושה שתביא להשמדתו ולשחרור כל חטופנו. फिलहाल अमेरिका के इस ड्रोन पर बहुत बड़ी आफत आ चुकी है। अमेरिका ने जिस ड्रोन से अफगानिस्तान में सैकड़ों टारगेट खत्म कर दिए, जिस ड्रोन से अल जवाहिरी को मारा, वही ड्रोन अब यमन में मारा जा रहा है। इस वीडियो ने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि हूती अमेरिका के सबसे खतरनाक MQ-9 ड्रोन के मलबे पर खड़े हैं। हूती लड़ाकों का दावा है कि उन्होंने अक्टूबर 7 के बाद से अब तक अमेरिका के 10 MQ-9 ड्रोन गिरा दिए हैं। एक हफ्ते के अंदर ये तीसरा ड्रोन है जिसे हूती ने मार गिराया, जबकि 2015 के बाद से ये 15वां ऐसा ड्रोन है जिसका हूती ने शिकार किया है। हालांकि बाइडेन की टीम कह रही है कि उसने कोई ड्रोन नहीं खोया है, लेकिन यमन के जामर इलाके में ये मलबा कोई और कहानी समेटे हुए है। करीब 300 करोड़ रुपए का ड्रोन जो 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है, उसे हूती की एयर डिफेंस मिसाइल ने मार गिराया। अमेरिका भी जानता है कि ये काम आसान नहीं है। دفاعاتنا الجوية بعون الله تعالى في إسقاط طائرة أمريكية النوع MQ-9 في أجواء محافظة ذمار، حيث كانت الطائرة تنفذ مهام عدائية इजराइल पर हमास के हमले के 11 महीने पूरे हो चुके हैं। गाजा पर इजराइल के ऑपरेशन के भी 11 महीने पूरे हो गए हैं। 11 महीनों की तबाही का दौर ऐसा चला है कि युद्ध का एपिसेंटर अब गाजा से निकलकर इजराइल और लेबनान बॉर्डर के साथ साथ यमन और लाल सागर में पहुंच चुका है। على العدو الاسرائيلي ان يتوقع المزيد من الضربات والعمليات النوعيه القادمه ونحن على اعتاب الذكرى الاولى لعمليه 7 أكتوبر المباركه منها الرد على عدوانه الإجرامي على مدينة الحديدة ومواصلة عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم। गाजा में चल रही बमबारी के बाद यमन के हूती प्रोएक्टिव हैं। उनको ईरान का पूरा समर्थन भी है। वो लाल सागर में इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के हमले उन्हें डराने में नाकाम रहे हैं। हूती ने इजराइल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। वो इसराइल के जहाजों या उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को लगातार टारगेट कर रहे हैं। यहीं से एशिया की तरफ से यूरोप को रास्ता जाता है। दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेज कैनाल से गुजरती है। लाल सागर का रास्ता ब्लॉक होने से ये रूट 6,000 किलोमीटर लंबा हो गया है। अब समुद्री जहाज अफ्रीका का चक्कर लगाकर यूरोप पहुंच रहे हैं। इसराइल जाने वाले जहाजों का रास्ता 10,000 किलोमीटर तक लंबा हो गया है। 3 से 5 दिन का सफर बढ़ चुका है, यानी ज्यादा लागत, ज्यादा वक्त और कारोबार पूरी तरह चौपट। यही है यमन के हूती विद्रोहियों का टारगेट। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल और अमेरिका के सामने यमन नाम का नया खतरा न सिर्फ तैयार हो चुका है, बल्कि अब ऐसी आग उगल रहा है जिसका ठोस जवाब अभी तक दोनों के पास नहीं है। यमन में हूती विद्रोहियों के खतरों को देखते हुए अमेरिका और इजराइल दोनों का गुस्सा 7वें आसमान पर है, क्योंकि गाजा को लेकर फैले आक्रोश के बाद अब यमन सीधा इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू कर चुका है। इससे पहले हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से कई हमले किए, लेकिन 15 सितंबर का हमला ज्यादा खतरनाक कहा जाएगा। इसमें यमन की बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल के एयर डिफेंस को चीर डाला है और अब इजराइल महसूस कर रहा है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत खत्म होती जा रही है। इजराइल के एयर और मिसाइल डिफेंस नेटवर्क नाकाम साबित हो रहे हैं।